हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू कंचन प्रेस चैनल। तो अभी हुए मॉर्निंग के, आई थिंक 7:30 के आसपास होने वाले हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि जब मैं डेली जो रेडी होती हूँ वो कैसे रेडी होती हूँ, क्या क्या चीज़ यूज़ करती हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं बहुत कम मेकअप यूज़ करती हूँ अपने स्किन पे, अवॉइड करती हूँ मेकअप करना क्योंकि मुझे आता भी नहीं है एंड मैं पसंद नहीं है मुझे ज़्यादा मेकअप। तो मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ डेली लाइफ के लिए, हर रोज़ के लिए क्या यूज़ करती हूँ। और बहुत ही मिनिमम चीज़ है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ब्लॉग फटाफट। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा ताकि मेरे जब भी न्यू वीडियो आए तो आप लोगों को फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज। अभी मैं नहा ली हूँ, मेरा नहाने का काम हो गया है। उसके बाद मेरा जो पहला जो चीज़ होता है नहाने के बाद मैं अपने फेस पे जो अप्लाई करती हूँ वो है ये एलोवेरा जेल, जो कि मॉइस्चराइजर की तरह भी काम करता है। मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। तो मैं हर रोज़ जो है, देख सकते हो आप, काफ़ी बहुत कम हो गया है क्योंकि मैं इसको डेली यूज़ करती हूँ। नहा के आने के बाद मैं फटाफट इसको थोड़ा सा, क्या होता है कि फेस पे अप्लाई कर लो। इसके बाद अगर आप कुछ नहीं भी अप्लाई करते हो अपने फेस पे ना, फिर भी ये बहुत अच्छा है आपके स्किन के लिए, और ये हर टाइप के स्किन के लिए अच्छा है क्योंकि ये नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आपको अच्छे से सूट होगा ये। तो ये हो गया अभी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाने के बाद जो है 5 मिनट, या आई थिंक 5 मिनट बोल सकते, 2 से 3 सेकेंड तक का वेट करो ताकि वो जो है आपके बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आगे का जो भी स्टेप है वो आप करोगे। तो एक्चुअली मैं, क्या होता है ना कि मैं एलोवेरा जेल को दोनों टाइम यूज़ करती हूँ, डे में भी यूज़ करती हूँ जब मैं मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ अपना मेकअप, नहीं बोल सकते हो, थोड़ा सा जो अपने आप को ठीक करना होता है नहा के आने के बाद, इंसान थोड़ा रेडी होता है वो करती हूँ, उस टाइम पर भी मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। एंड नाइट में जब मैं सोने जाती हूँ उस टाइम पे भी मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं नाइट के लिए आपको सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि मैं नाइट में क्या क्या यूज़ करती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ। ये भी देख रहा हूँ आप, ख़त्म हो गया, पतंजलि का एक ब्यूटी करके क्रीम है, ब्यूटी क्रीम करके है ये। इसमें हल्दी है, टर्मरिक है, हाँ टर्मरिक है। तो ये मेरे स्किन को सूट करता है, इस वजह से मैं यूज़ करती हूँ, और ये मैं काफ़ी लंबे, आई थिंक 1 ईयर से मैं इसको यूज़ करती हूँ और ये मुझे अच्छे से सूट करता है। बस ये हो गया, इसको मैं इतना सा लिया बस, इसको अच्छे से। खास करके क्या है, ये मेरा फोरहेड है ना, यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे बहुत जल्दी जो है एकदम दाने दाने आने लगते हैं, पता नहीं क्यों, किस रीज़न से मुझे बहुत जल्दी फोरहेड पे दाने आते हैं। अगर मेरे बॉडी में थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज हुआ या फिर वेदर चेंज हुआ तो मेरे फोरहेड पर बहुत जल्दी दिख जाता है वो, इसके वजह से। तो मैंने जब से ये यूज़ किया है काफ़ी अच्छा है, आप लोग भी देख सकते हो, कोई भी पतंजलि का स्टोर है वहाँ पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, पतंजलि का ब्यूटी क्रीम है इस तरीके का है। मैं आपको एक पिक्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी, आप देख लेना, या फिर अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएगा कि कैसा पिक्स है इसका, ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हो मे बी, मुझे मैंने चेक नहीं किया है पर फिर भी आप देख लेना। इसके बाद मैंने आप लोगों से काफ़ी टाइम बोला है कि सनस्क्रीन जो है वो हमेशा ही अप्लाई करना, चाहे वो कोई सा भी वेदर हो, ठंडी गर्मी कुछ भी हो तो आपको अप्लाई करना है। तो मैंने भी अपने लाइफ में हमेशा ही, देख सकते काफ़ी जो है कंप्लीट हो गया है, बहुत कम है अभी बचा हुआ, मुझे दूसरा भी लेना पड़ेगा। तो मैं हमेशा अपने डेली लाइफ में सनस्क्रीन जो है अप्लाई करती हूँ, मेरा डेली रूटीन जो है उसमें मैं अप्लाई करती हूँ। तो इतनी सी मैं लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, थोड़ा सा बस मैं लिया। मैं क्या करती हूँ इस तरीके से, मेन जो है सनस्क्रीन अप्लाई करने के लिए वो हमारा हाथ भी है, क्योंकि हम हाथ से बहुत सारी चीज़ें
करते हैं और ये धूप में भी रहता है, तो मैं इस पर भी थोड़ा सा अप्लाई कर लेती हूँ सनस्क्रीन। उसके बाद मैं अच्छे से अपने फेस में मैंने जो भी लगाया है सनस्क्रीन का, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हो गया मेरा। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब मैं डेली जो रूटीन है मेरा मॉर्निंग से, या फिर अगर मैं ऑफिस भी जाऊँ या कहीं भी जाऊँ तो मैं इतना ही करती हूँ बस। बहुत हैवी कुछ फंक्शन वंक्शन है तो मैं हल्का फुल्का मेकअप अप्लाई करती हूँ। इसके बाद जो है मेरा ये काजल, मतलब मेरे को काजल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने डेली रूटीन में काजल ज़रूर जो है शामिल करती हूँ। इतनी सी काजल बस मैं हल्का ही काजल लगाती हूँ, लेकिन आप देख सकते हो कि इस आँख में और इस आँख में कितना डिफरेंस है मेरे, मेरे को सूट करते आई थिंक बोल सकते हो काजल आप। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लग गया, देखो बस काजल लगाते ही मेरा जो फेस का जो एक लुक है ना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। उसके बाद ये हो गया मेरा पूरा मेकअप। उसके बाद जो आता है वो आता है सिंदूर, क्योंकि मैं हल्का नहाने के बाद हल्का सा ही बस इस तरीके से अप्लाई करती हूँ। मेरे पास सूखा वाला सिंदूर था लेकिन वो अभी पता नहीं किधर रख दिया मैंने, तो काफ़ी टाइम से मैं आई थिंक 1 मंथ हो गया काफ़ी टाइम से मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद हो गया बिंदी, तो मेरे पास एक ऐसा सेपरेट बॉक्स है बिंदी का, इसमें मेरे पास बहुत सारी बिंदी है, लेकिन मैं मुझे ना पर्सनली जो है वो बिंदी छोटे और एकदम प्लेन जो बिंदी वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ डेली लाइफ में भी। बहुत कम मैं जो डिजाइनर बिंदी बोलते हो वो बहुत कम यूज़ करती हूँ। ये देखो बस मैं रेडी हो गई, अभी मैं थोड़ा बाल वाल ठीक करके आती हूँ और मिलती हूँ आपसे। गई हूँ एंड मैंने थोड़ा सा अपने हेयर को कॉम किया है और सिर्फ मैंने चुन्नी लिया है बस, और मैं कुछ भी नहीं की हूँ। मैं इयररिंग्स भी बहुत लाइट रखी हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारा वो सिर्फ घर से है, मतलब हम घर में किस तरीके से एंड किस तरीके से कंफर्टेबल के साथ रहते हैं उसके ऊपर वीडियो है, तो मैं सिर्फ मिनिमम जो एकदम लाइट होता है ना चीज़ उसको रखने का कोशिश किया है इसमें। आई होप कि आप लोगों को आज का जो ये वीडियो है वो अच्छा लगा हो। एंड हाँ, आप लोग भी कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग भी घर में इसी तरीके से एकदम कंफर्टेबल एकदम लाइट रहना पसंद करते हो या फिर हैवी कुछ भी पहन के रहते हो। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहना पसंद करती हूँ। ज़रूर बताना कि आप लोग अपनी लाइफ में एलोवेरा को यूज़ करना स्टार्ट किए हो कि नहीं किए हो, क्योंकि मैं इससे पहले भी एक एलोवेरा जेल के ऊपर वीडियो बनाई हूँ, तो मैंने आप लोगों से बोला था कि आप एक बार ट्राई करो। तो अगर आप लोगों ने उसके ऊपर मतलब थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में अगर उसको शामिल किए हो, यूज़ करना स्टार्ट किए हो, तो कमेंट करके बताना कि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या नहीं। और अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।